आज हम MBBS इन रशिया के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि MBBS इन रशिया इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कैसी ऑप्शन है और MBBS डिग्री रशिया से करने के बाद क्या वो डिग्री इंडिया में आज की डेट 2024 में वैलिड है कि नहीं है। रशिया हमेशा से ही एक पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो MBBS करना चाहते हैं अब्रॉड से, बट NMC का एक गैजेट आया था 2021 में जिसमें काफ़ी कंडीशंस चेंज हो गई थी। तो पहली कंडीशन उसमें थी कि 54 मंथ्स का कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए और 12 मंथ्स की अलग से इंटर्नशिप होनी चाहिए उसी यूनिवर्सिटी से जहां पे बच्चा पढ़ाई कर रहा है। इसमें एक और कंडीशन थी कि जिस देश में बच्चा MBBS करने जा रहा है उस देश की अथॉरिटी उसको एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दे जिससे वो वहाँ पे एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सके। अब अगर आप रशिया से MBBS डिग्री कम्प्लीट कर लेते हो तो आपको वहाँ पे एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो वहाँ की रशियन लैंग्वेज में होता है। अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आप इंडिया में आके एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अगर आप वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते तो आप इंडिया में आके एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दूसरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो NMC की कंडीशन है कि 54 मंथ्स का कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप होना चाहिए, रशिया की कोई भी यूनिवर्सिटी इसको क्लैरिफाई नहीं करती ना एम्बेसी करती है कि ये अलग अलग है, 12 महीने की अलग से इंटर्नशिप है, 54 मंथ्स का अलग से कोर्स ड्यूरेशन है। ये कहते हैं कि 6 साल की हमारी डिग्री है जी, 5 ईयर्स का इसमें जो कोर्स ड्यूरेशन है प्लस 1 साल की इंटर्नशिप है। ये कहीं पे क्लैरिफाई नहीं करते कि 1 साल की कहाँ पे इंटर्नशिप हो रही है, क्या उसका करिकुलम है और 54 मंथ्स का कहाँ से अलग से है। ये 6 मंथ्स को कंबाइंड करते हैं जो कि NMC कहता है नहीं, 54 मंथ्स का अलग से होना चाहिए और 1 साल की अलग से इंटर्नशिप होनी चाहिए। आज की डेट में अगर आप एम्बेसी को लेटर्स लिखोगे तो उसमें एम्बेसी कहती है कि आप NMC से पूछो और NMC इस पे कोई भी रिवर्ट नहीं देती है। आज रशिया थाउजेंड्स ऑफ सैंक्शंस के अंडर है, उसमें से सबसे बड़ा जो एजुकेशन सेक्टर में सैंक्शन उस पे लगा है ये ब्लोगना प्रोसेस से बाहर हो चुका है। ब्लोगना प्रोसेस जो है वो कोई भी जो डिग्री है उसको यूरोप में वैलिड करती है। अब रशिया ब्लोगना प्रोसेस से बाहर हो चुका है तो आपकी जो डिग्री है यूरोप में वैलिड नहीं है, आप रशिया से डिग्री करके आप यूरोप में प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते। इन्हीं सैंक्शंस के चलते आज की डेट में वीजा कार्ड भी नहीं चलता। वीजा कार्ड जो आप ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हो जो डेबिट कार्ड होता है वो रशिया में आज की डेट में चलता नहीं है। आपको ट्रांजैक्शंस के लिए वहां पे जाते ही आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा लोकल रशियन में, फिर आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे सैंक्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं आज की डेट में रशिया में बहुत हैं इन सैंक्शंस की वजह से। इंडिया में बहुत सारे एजेंट्स प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम होगा वो कल को इंग्लिश में हो जाएगा 6-7 साल बाद। तो आप खुद को इवेल्युएट करना है आपको कि क्या ये सही में रशिया इंग्लिश में करेगा, वो एग्जाम करेगा कि नहीं करेगा। रशियन जो है इंग्लिश लैंग्वेज को हेट करते हैं, वो वहां पे इंग्लिश में आपको कुछ नहीं मिलता है, तो मेरे को नहीं लगता वो कभी एग्जाम जो है इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। बस इन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है रशिया में MBBS करने से पहले। बाकी ये आप ऑप्शन है, आपने जाना है आप जा सकते हो, आपको नहीं जाना आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। जो डिग्री इंडिया में वैलिड है कोई लाइसेंसिंग एग्जाम भी नहीं देना, आपको लाइसेंस उस कंट्री में प्रैक्टिस करने का मिलता है। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है देवी सिंगला और मैं मेडिकल एजुकेशन से हूँ। हमारे ऑफिस चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, जयपुर में, दिल्ली में है, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे और कैप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।